नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न नंबर 3 हम कर रहे हैं। इसका दूसरा भाग है, हमें यह एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कि कोण ए जो है यह 90 डिग्री के बराबर है और एसी बीडी पर लंब है जिसे कि यह जो सी कोण है यह भी 90 डिग्री के बराबर है। हमें सिद्ध करना है एसी स्क्वायर बराबर बीसी गुना डीसी। ये डॉट का मतलब है गुना। अब देखिए बच्चों इसको कैसे करना है। बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, देखिए मान लेते हैं कि ये कोण है एक्स, तो आप इस छोटे से त्रिभुज को देखिए एसीबी को, इसमें ये कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब त्रिभुज के तीन कोणों का योग होता है 180। यदि ये 90 है इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 90 होगा, और यदि ये x है तो ये वाला जो कोण होगा, यदि दोनों का जोड़ 90 है ये x है तो ये होगा 90 माइनस एक्स। अब बच्चों ध्यान से देखते रहना, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे। ये आया 90 माइनस एक्स क्योंकि ये त्रिभुज था, इसमें ये 90 है, ये 90 है तो ये दोनों का जोड़ 90 होगा ना, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, और ये x है तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब आ जाओ इस बड़े त्रिभुज पे, c को भूल जाओ, ये देखिए ये वाला, इसमें ये जो कोण है a पूरे वाला ये है 90, इसमें से ये छोटा कोण है 90 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x। अब बच्चों बड़े वाले त्रिभुज में आ जाओ, सॉरी इस वाले त्रिभुज में आ जाओ डी ए सी में, इसमें ये कोण 90 है, ये x है तो ये कितना होगा, ये फिर से हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, मैं एक बार पुनः आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखेगा। हमने इस कोण को x माना, तो ये छोटा त्रिभुज देखा, इसमें तीन कोणों का योग, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि ये 90 है, ये x है, ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180, इन दोनों का जोड़ 90 है, ये x है तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये मतलब ये वाला कोण, ये आ गया 90 माइनस एक्स। अब ये देखिए ये पूरा त्रिभुज डी ए बी कोण, ये वाला कोण ये 90 डिग्री का है ना, ये देखिए यहां बना, इसमें से ये 90 माइनस एक्स है तो ये वाला कोण कितना होगा, एक्स होगा। अब हम इस वाले त्रिभुज को देखते हैं, इसमें फिर से ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का जोड़ होगा 90, क्योंकि 90 प्लस 90 180 तीनों कोणों का योग आएगा, उसमें से ये x है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, मैं सिर्फ यहां एक ही लाइन लिख रहा हूं, मान लो कोण b बराबर है x, ठीक है, बाकी हमने यहां आकृति में लिख दिए हैं कोण। अब बच्चों ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल डी सी ए, ए सी बी और डी सी ए, इनमें देखिए कोण सी बराबर कोण सी तो 90 डिग्री है, ए सी बी में ये वाला 90 और डी सी ए में ये वाला 90 है। इसके अलावा आप देखेंगे कोण कोण सी ए बी, सी ए बी ये है 90 माइनस एक्स, सी ए बी और यहां पे हो जाएगा सी डी ए, सी डी ए ये भी है 90 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों, कोण सी ए बी है 90 माइनस एक्स, कोण सी डी ए ये भी है 90 माइनस एक्स। तो इन दो त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में बराबर आ गए, और यदि दो संगत कोण बराबर हैं तो ए ए समरूपता कसौटी के अनुसार
एंगल एंगल दो एंगल बराबर आ गए ना, तो ए ए समरूपता कसौटी के अनुसार त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज डी सी ए के। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज डी सी ए के, और यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, त्रिभुज ए सी बी और डी सी ए, यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, और आइए हम देखते हैं एसी बटा डीसी, देखिए डीसी यह बराबर होगा बीसी बटा एसी के, और यदि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एसी गुना एसी हो जाएगा एसी स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा डीसी गुना बीसी, और इसे हम चाहें तो एसी स्क्वायर बराबर बीसी को पहले डीसी को बाद में लिख सकते हैं, और गुना की जगह डॉट लगा सकते हैं बीसी डॉट डीसी। यही हमें अपने प्रश्न में सिद्ध करना था, एसी स्क्वायर बराबर बीसी डॉट बीसी, यानी एसी स्क्वायर बराबर बीसी गुना डीसी, इसी को हमें सिद्ध करना था, तो हम यहां लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो देखा बच्चों, हमने दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप करने सिद्ध करने के बाद उनकी संगत भुजाओं को समानुपाती लिया, और वहां से हमने इसे सिद्ध कर दिया है। यह प्रश्न बहुत आसान है, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के हल देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।